वॉइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियो। अच्छा नहीं है तो व्यूज भूल जाओ, बट एडिटिंग से अच्छा करके व्यूज आने के बाद उन्हें देखकर तुम भी यही बोलने वाले हो, मजा आया। तो ये मेरा नॉर्मल वॉइस है जिसे मैंने फोन से रिकॉर्ड किया है, और ये मेरा एडिटेड वॉइस है जिसे भी मैंने फोन से ही रिकॉर्ड किया है। वॉइस ए में काफी ज्यादा नॉइस एंड इको है, जो कि वॉइस बी में बिल्कुल खत्म है, और इसे मैंने बिना लेक्सिस ऑडियो एडिटर के एडिट किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका इंटरफेस देखकर बोलते हैं अब ये कौन है बे। एंड मैं बाकियों की तरह टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, अलमारी में मुंह घुसा दो, रात को 2 बजे सेटिंग से बात करने की जगह वॉइस ओवर करो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बस ये एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है नॉइस, क्योंकि ये एडिटिंग से तो रिमूव हो जाएगा, बट ज्यादा रिमूव करोगे तो वॉइस कुछ ऐसा एडिट होगा। बस शांत जगह पर रिकॉर्ड करना, तो इस वॉइस को सुन लो जो कि अभी एडिट नहीं हुआ है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी वीडियो को इंगेजिंग बनाती है, तो इसके लिए तुम्हें आ जाना है क्रोम ब्राउजर पर, एंड इसके बाद जो तुम्हें सर्च करना है अडोब पॉडकास्ट। हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें इसके बारे में पता है, पर इसी से ही जो है वॉइस एडिट नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट वेबसाइट है उसे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू इनहांस स्पीच, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चूज फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद जो फाइल्स वाला आइकन नीचे आ चुका है उसे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर जो ऑडियो है उसे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, एंड जो तुम्हारा वॉइस सैम्पल है उसे सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे हमने उस वॉइस को अपलोड कर दिया है जो कि अभी आपको हमने सुनाया था, तो 1-2 मिनट वेट करना है, एंड उसके बाद जो है आपकी वॉइस में से नॉइस एंड इको रिमूव होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारी वॉइस में से जो है नॉइस एंड इको रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आप प्ले करके भी देख सकते हो, बट मैं आपको पूरा वॉइस जो है एडिट करके दिखाऊंगा। तो नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद तुम्हें प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है ऑडियो लैब। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियो इफेक्ट का, ठीक है, तो इस पर सिंपली जो आपको क्लिक कर देना है, एंड जो अभी आपने क्रोम से जो वॉइस ओवर डाउनलोड किया था उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के बाद इसका आप नाम चेंज कर लेना, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे ले देता हूँ सैम्पल, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नीचे बेस एंड ट्रेवल का, ठीक है, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है, तो आपके सामने 2 स्लाइडर आएंगे, तो जो बेस वाला स्लाइडर है उसे कर देना है आपको 13 पे, ठीक है। 13 पे करने के बाद ट्रेवल वाला जो स्लाइडर है उसे सिंपली कर देना है आपको 19 पे। तो ये मेरा सेटिंग है जिसमें वॉइस मेरा परफेक्ट आता है, अगर आपका वॉइस इसमें परफेक्ट आ जाता है तो ठीक है, वरना आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करके आपका वॉइस चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, आप दोनों सैंपल्स को फिर से सुनो। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी वीडियो को इंगेजिंग बनाती है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी वीडियो को इंगेजिंग बनाती है। तो यार था ना एकदम इजी मेथड, तो इसी तरीके से मैं भी अपनी वॉइस को एडिट करता हूँ। तो चलो फिर नए टॉपिक में मिलते हैं।